हेलो स्टूडेंट्स, इन आर प्रीवियस लेक्चर वी वर स्टडिंग अबाउट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सो हमने उसके स्पेशल केसेस में से दो तीन डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट हमने ये डिस्कस किया था व्हेन टू बॉडीज आर ऑफ इक्वल मासेस। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया था जिसमें टारगेट बॉडी रेस्ट पे हो। जो हमारे पास सेकेंड केस था दैट इज़ व्हेन टारगेट बॉडी इज़ एट रेस्ट, तो उस कंडीशन में हमने सब कंडीशंस करी थी जिसमें से फर्स्ट थी व्हेन टारगेट बॉडीज आर ऑफ इक्वल मासेस अंडर रेस्ट कंडीशन पे ही। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये थी। और नेक्स्ट कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, व्हेन बॉडी ऑफ मास बी इज वेरी लार्ज। हमने नहीं, शायद हमने यही करी थी व्हेन टू बॉडीज आर ऑफ इक्वल मासेस अंडर रेस्ट पोजिशन पे ही। तो अंडर रेस्ट कंडीशन ये हमारी, दैट इज जो टारगेट बॉडी है दैट इज बॉडी बी, हमारे पास ये सेकेंड स्पेशल केस है। इलास्टिक कोलिजन की हमने वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के यूज से हमने वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन फाइंड आउट करी थी। वी वन हेयर इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एंड वी टू हेयर इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। तो अगर स्पेशल केसेस की बात की जाए तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हेन टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टारगेट बॉडी बी इज यू टू इक्वल्स टू जीरो। उसके अंडर हमने एक केस डिस्कस कर चुके थे दैट इज एम वन इक्वल्स टू एम टू इक्वल्स टू एम, विच मीन्स व्हेन टू बॉडीज आर ऑफ इक्वल मासेज। तो हमारे पास इसमें सेकेंड केस है व्हेन बॉडी ए इज वेरी लार्ज, व्हेन मास ऑफ बॉडी ए इज वेरी लार्ज। तो व्हेन मास ऑफ बॉडी ए इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू बी, दिस मीन्स दैट मास ऑफ बॉडी बी इज नेग्लिजिबल हेयर। नेग्लिजिबल मतलब हम उसे यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, विच मीन्स एम टू इज मच मच स्मॉलर देन एम वन। तो हम यहाँ पे सिर्फ एम वन को ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो ये भी इस कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए लिख सकते हैं, दैट इज द सम ऑफ बोथ द मासेज ऑफ टू बॉडीज विल बी approximately equal to mass of only one body that is A। क्योंकि जो मास है बॉडी ए का वो बहुत ही लार्ज है और जो एम टू का मास है वो इतना छोटा है कि ऐड करने के बाद भी जो नियरली इक्वल आ रहा है किसके, मास ऑफ बॉडी ए के। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम एम टू को नेग्लेक्ट करते हैं और वी वन को डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ हम एम टू को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये क्या जाएगा हमारे पास, एम वन यू। उधर हम M2 को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा ही नेग्लेक्ट हो जाएगा। M2 को नेग्लेक्ट करेंगे तो पूरी कंडीशन ही नेग्लेक्ट हो जाएगी हमारे पास। और वैसे भी ये नेग्लेक्ट क्यों हो रही है, बिकॉज एट दिस कंडीशन वी हैव U2 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगी। सो हेयर वी हैव V1 क्या जाएगा हमारे पास, M1 U, और M1 प्लस M2 हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, M1। सो V1 विल बी इक्वल टू U1, ठीक है, व्हेन टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट। व्हेन मास ऑफ बी इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए। अब इस कंडीशन में क्या है हमारे पास, हेयर एम वन इज मच मच स्मॉलर देन एम टू। जो मास ऑफ बी है दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू मास ऑफ बॉडी ए। तो यहाँ पे ये कंडीशन है हमारे पास, तो यहाँ पे एम वन प्लस एम टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इज नियरली इक्वल टू एम टू, ठीक है। अब ऊपर वाली कंडीशन में हमने वी टू वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट करी, सॉरी वी टू में अगर हम मास लें तो ये क्या जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू टू एम वन यू वन। इधर वेलोसिटी जीरो है तो ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ये क्या जाएगा, एम वन। दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है यहाँ पे, वैन हाँ हमने कंडीशन सपोज कर ली, एम वन प्लस एम टू भी सपोज कर लिया हमने, नियरली इक्वल टू एम टू आएगा। तो हमारे पास वी वन क्या जाएगा देख लेते हैं, यहाँ पे वी वन इक्वल्स टू एम टू माइनस एम टू
यू वन अपॉन एम टू, ठीक है। यहाँ पे हमने जो एम वन है उसे हमने नियरली इक्वल टू एम टू लिखा है, क्योंकि जो मास ऑफ बॉडी है हमारे पास वो बहुत ही लार्ज है यहाँ पे, इसलिए हमने जो एम वन है उसे एम टू सपोज कर लिया। क्या है हमारे पास यहाँ पे, वी वन एम वन माइनस एम टू यू वन प्लस ट्वाइस ऑफ एम टू यू टू अपॉन एम वन प्लस यू वन। तो यहाँ पे एम वन माइनस एम टू क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव ऑफ माइनस एम टू। क्यों आ जाएगा नेगेटिव ऑफ माइनस एम टू, क्योंकि यहाँ पे लार्जर मास हमारे पास ये है और ये क्या है स्मॉलर, तो अगर लार्जर नेगेटिव में है तो हमारे पास रिजल्ट भी क्या आएगा नेगेटिव में। तो यहाँ पे हमने इसे एम टू कंसिडर कर लिया और एम वन को हमने यहाँ क्या किया है नेगलेक्ट, वी कैन नेगलेक्ट हेयर एम टू। सो वी हैव माइनस एम टू यू वन अपॉन एम टू, कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस ऑफ यू वन, ये आ जाएगा हमारे पास। वी टू में क्या आ जाएगा हमारे पास, बॉडी इज एट रेस्ट, ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। इधर हमारे पास ट्वाइस ऑफ एम वन है, हमने एम वन को नेगलेक्ट करना है और हमारे पास एम टू की टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो अपॉन एम टू विच विल बी नियरली इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ टारगेट बॉडी बी विल बी जीरो, विच मीन्स देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट और नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। मतलब कि देखो आपकी सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे क्या किया था, जो बॉडी बी है वो बहुत ही लार्ज मास की कंसिडर करी थी, है ना, वही हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो गया। कैसे, अगर बॉडी बहुत ही लार्ज मास के उस पे आके ए बॉडी टकराएगी तो ऑब्वियसली ये लार्ज मास की ये हिलेगी नहीं, जब ये बहुत ही कम मास के आप इसमें मारोगे, अगर आप एक बॉल को एक बॉल पे मारोगे, बॉल का मास बहुत ही ज़्यादा होता है तो वो हिलेगी नहीं हिलेगी, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। तो ये था आपके पास इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के स्पेशल केसेस जो हमारे पास रहते थे अंडर टारगेट बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन आपके पास शॉर्ट है काफ़ी, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकालना है इसमें, तो करते हैं उसे स्टार्ट करते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, अब देखो इलास्टिक कोलिजन है, सिंपल सी बात, कंडीशंस वही रहेंगी, टारगेट बॉडी ए और टारगेट बॉडी बी रहेगी, एक मूविंग बॉडी आ रही है, टारगेट बॉडी को हिट करेगी, ठीक है। टू डायमेंशंस है तो कोलिजन क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ये क्या है, बेसिकली वाई एक्सिस, और ये क्या है एक्स एक्सिस। अब हम कंसिडर कर लेते हैं एट पॉइंट ऑफ कोलिजन जो बॉडी ए है वो क्या एंगल बना रही है एक्सिस के साथ थीटा, एंड बॉडी बी क्या बना रही है फाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस का मतलब है कि बॉडी जो है वो आफ्टर कोलिजन टू डायरेक्शंस में स्प्लिट हो जाएंगी। जो इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में क्या था, हमारा जब टारगेट बॉडी हिट कर रही थी तो बी का मोमेंट, बी और ए दोनों ही आफ्टर कोलिजन उसी डायरेक्शन में अलॉन्ग सेम डायरेक्शन में मूव करने लग जाते थे। इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या है, जो हमारे पास आफ्टर कोलिजन है बोथ द बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। हेयर द कंडीशन फॉर कोलिजन इज डू, इलास्टिक कोलिजन में भी हमने ये कंडीशन कंसिडर करी है, दैट इज यू वन मस्ट बी ग्रेटर देन यू टू। मतलब कि जो आपकी वेलोसिटी ऑफ दोनों ऑब्जेक्ट्स आपकी इनिशियली जो मूव कर रहे हैं यू वन और यू टू वेलोसिटी से, तो आपके यहाँ पे यू वन मस्ट बी ग्रेटर देन यू टू, क्योंकि अगर ये तेज चलेगा तभी जगह से हिट कर पाएगा, अगर दोनों इक्वल वेलोसिटी से चलने लगे तो फिर तो कभी हिट ही नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो आफ्टर उनका इंटरवल सेम रहेगा। तो इसीलिए जो आपके पास बॉडी है जिसने हिट करना है उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए टारगेट बॉडी से ज़्यादा। ये तो हमारी इनिशियल कंडीशन है जो हम कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज ए एंड बी हमने कंसिडर कर ली ऑफ मासेज एम वन एंड एम टू, ठीक है।
Moving in same straight line with velocity is u1 and u2. After collision हम consider कर लेते हैं जो bodies है opposite direction में चल रही हैं with velocity is v1 and v2. तो ये है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन. अब इसमें देखो काइनेटिक अकॉर्डिंग टू हमने वही करना है जो कोलिजन का लॉ है. इलास्टिक कोलिजन का लॉ क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व. देखो स्टेटमेंट्स किसी भी डेरिवेशन में ये पॉइंट्स रहते हैं. ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट डेरिवेशंस कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आपको एग्जामिनर को समझाना है कि आप कंडीशंस ले क्या रहे हो. फिजिक्स में हर चीज़ की बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस होती हैं. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपने जो इनिशियली बॉडी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में हमने जब टारगेट बॉडी इनिशियली एट रेस्ट पर रखी थी तो उसके अंडर भी आपकी 3 कंडीशंस थी. तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस आती हैं तो आपको पहले डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि आपने 2 बॉडीज कंसिडर करी हैं, उनके 2 मासेज हैं m1 m2. बोर्ड तो मैं नहीं करवा पाती आपको इतना क्योंकि बोर्ड काफ़ी छोटा है और आपको डेरिवेशन करवानी पड़ती है काफ़ी लंबी. आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लो. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जब नोट करो तो आप लोग डायरेक्ट डेरिवेशंस लिख लो. हाँ, इन केस एग्जाम्स के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट आप डेरिवेशंस लर्न कर सकते हो. इससे क्या होगा आपको, अगर आप देखो ये डायग्राम ढंग से लर्न कर लोगे तो आपको स्टेटमेंट लिखनी आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो. आपको पता है ये 2 बॉडीज हैं, आप ये लाइन लिख लो, कंसिडर 2 बॉडीज इलास्टिक, मेंशन कर दो कंसिडर 2 इलास्टिक बॉडीज ए एंड बी. आपको पता है उनका मासेस कितना है m1 m2, आप वो भी लिख सकते हो अगर आपको एक वेल लेबल डायग्राम याद है तो. तो कोशिश करा करो कि आपके जो डायग्राम्स हो आपको परफेक्टली वो याद हो. उसके बाद जो आपको डेरिवेशन का स्टार्ट है, दैट इज एट विच ऑन विच स्टेटमेंट इज डेरिवेशन बेस्ड. सो हेयर द डेरिवेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन 1 and 2 डायमेंशन आर परफेक्टली बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी विच इज द लॉ ऑफ इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 2 बॉडीज हमारे पास विच इज ए एंड बी ऑफ मासेज m1 एंड m2. इनका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो बिफोर कोलिजन क्या आया m1 u1 स्क्वायर और आफ्टर कोलिजन क्या आया m2 u2 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर. ये आफ्टर कोलिजन है हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सिंपल है आपके पास. इसके बाद अब मोमेंटम की बारी है. इसमें थोड़ा आपके पास ट्रिक है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस मूव कर रहे हैं, एक इधर और एक इधर, तो दोनों का मोमेंटम सेम नहीं होगा बिकॉज मोमेंटम इज अ डायरेक्शनल क्वांटिटी, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी. तो फिर हम पहले क्या लेंगे, मोमेंटम. ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, फॉर बॉडी ए कैसे दिया जाएगा? मोमेंटम क्या होता है हमारे पास? मास इनटू वेलोसिटी. तो मास क्या है हमारे पास बॉडी ए का? m1 v1. अब देखो यहाँ पे एक एंगल भी है. क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का अलोंग एंगल क्या होता है? कॉस. हियर भी है थीटा. ठीक है, ये क्या है हमारे पास? आफ्टर कोलिजन. ये थोड़ा उल्टा हो गया, पहले हमें बिफोर कोलिजन करना चाहिए था. बिफोर कोलिजन क्या होगा? वो तो सिंपल है आपके पास, बाद में ही करेंगे इसे. फॉर बॉडी बी ये क्या होगा आपके पास? m1 v1 साइन थीटा. ठीक है, सॉरी साइन थीटा नहीं होगा देखो, क्योंकि कोलिजन जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही मूव कर रहा है अभी भी अलॉन्ग दिस लाइन, तो कॉस फाइ. ठीक है, ये हो गया आपका मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस. इसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग
अलोंग एक्स एक्सिस पहले क्या मोमेंटम था दोनों का, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, हम लिख लेते हैं एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, और आफ्टर कोलिजन क्या है एम वन बी वन कॉस थीटा प्लस एम टू बी टू कॉस फाइव, ठीक है। ये आ गया हमारा मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ वी हैव अलोंग वाई एक्सिस। अब ये कैसे आएगा, देखो ऑब्जेक्ट इस एक्स एक्सिस के अलोंग एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी तो चल रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो उसकी ये हुई यहाँ से यहाँ तक, वर्टिकल डायरेक्शन क्या हुई उसकी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो फॉर बॉडी ए फॉर बॉडी ए वी हैव अलोंग वाई एक्सिस, फॉर बॉडी ए पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। तो मोमेंटम क्या आएगा, एम वन वेलोसिटी वही रहेगी वी वन, अब अलोंग वर्टिकल हमारे पास क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। फॉर बॉडी बी वी हैव एम वन सॉरी एम टू वी टू साइन फाइव, इधर भी गलत लिखा है एम टू वी टू कॉस फाइव, उधर सही लिखा है यहाँ पे सही लिखा है एम टू वी टू कॉस फाइव, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब देखो यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट बात है, देखो जो टारगेट बॉडी ए है हमारी सॉरी मूविंग बॉडी ए है हमारी जो, वो तो अलॉन्ग वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस ट्रेवल किया उसने, बट जो टारगेट बॉडी बी है उसने किधर ट्रेवल किया अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम क्या आना चाहिए माइनस एम टू वी टू साइन फाइव। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो हमारा मोमेंटम था पहले ऑब्जेक्ट का वो कुछ नहीं था, दैट इज जीरो प्लस जीरो, क्योंकि सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही थी ना, तो दैट इज मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस ओनली। तो आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस था वो क्या था एम वन वी वन साइन थीटा माइनस एम टू वी टू साइन फाइव, ठीक है। तो इधर हम सिंपल इस तरफ ले आते हैं एम टू वी टू साइन फाइव इक्वल्स टू एम वन वी वन साइन थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सिंपल कि जो आफ्टर कोलिजन है अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम है दोनों बॉडीज का दैट इज इक्वल अलोंग वाई एक्सिस। ये आ गया। अब रही हमारे पास स्पेशल केस की बात, स्पेशल केस क्या है इसमें, ठीक है। व्हेन टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, हम इन्हीं इक्वेशन से जो वी वन एम वी टू एंड एम वन एम टू फाइंड आउट कर सकते हैं एंड एंगल थीटा एंड फाइव फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल वो नहीं है। जैसे हमारे पास पीछे हमने क्या निकाली थी अप्रोच वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वैसा कुछ नहीं निकालेंगे हम इसके लिए, हम इसमें सिंपल एक स्पेशल केस करेंगे। नेक्स्ट में मैं आपको एक एंगल की कंडीशन बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, आज हम सिर्फ स्पेशल केस तक ही करेंगे ताकि आपको ज़्यादा टफ ना रहे, ज़्यादा मुश्किल ना हो, लेंथी ना हो। सो फर्स्ट वी हैव व्हेन टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, देखो सिंपल सी है, इलास्टिक कोलिजन है, कंडीशन हमें याद होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड, उसी के बेस पे हम पूरी डेरिवेशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेशल केस में हमें क्या पता होना चाहिए यू टू इज इक्वल टू जीरो, हम इसमें एक और कंडीशन पुट कर देते हैं दैट इज मासेज ऑफ टू बॉडी इज इक्वल दैट इज एम वन इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू एम, हम ये कंडीशन पे पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास अगर हम मोमेंटम वाली उसमें डाल, पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी वाले में डाल देते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या था हम एम वन यू वन स्क्वायर, तो यू वन स्क्वायर हम वैसे ही लिख लेंगे, ये एम बन जाएगा, ठीक है, और हमारा हाफ वैसा ही हो जाएगा। अब हमारे पास यू टू स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या थी एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास हाफ एम तो दोनों तरफ कॉमन आ जाएगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा,
हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया और हाफ भी कैंसिल आउट हो गया। तो इधर क्या आ गया हमारे पास, यू वन स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन थी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब अगर हम इसे मोमेंटम वाले केसेस में डालें, तो अलोंग एक्स एक्सिस वाले केस में हमारे पास क्या था, अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम वाले में उसमें क्या था हमारे पास, एम वन यू वन स्क्वायर, ठीक है, एम यू वन स्क्वायर प्लस एम यू टू स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी वन कॉस थीटा प्लस एम वी टू साइन सॉरी कॉस फाइव, ठीक है। अगेन हेयर एम विल बी कैंसल्ड बिकॉज कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास यू टू स्क्वायर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो हेयर वी अगेन हैव यू वन स्क्वायर इक्वल्स टू वी वन कॉस थीटा, स्क्वायर नहीं है हमारे पास, यहाँ पे मोमेंटम इज ओनली मास इनटू वेलोसिटी ना, तो यू वन इक्वल्स टू वी वन कॉस थीटा प्लस वी टू कॉस फाइव, ठीक है। अब हमारे पास अलॉन्ग वाई एक्सिस वाला मोमेंटम का केस अलग से था, तो वो क्या था हमारे पास, एम वन वी वन साइन थीटा इक्वल्स टू एम को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एम एम वन इक्वल्स टू एम माइनस में था ना ये, पर दूसरी तरफ जाके क्या हो गया था, प्लस में, तो एम टू वी टू साइन फाइव। तो हेयर वी वन साइन फाइव इक्वल्स टू वी टू साइन फाइव, अगर यहाँ से देखा जाए तो वी वन इक्वल्स टू वी टू साइन थीटा अपॉन साइन फाइव, ये भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। वी वन इक्वल्स टू वी टू साइन थीटा अपॉन साइन फाइव, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं हम इनकी वेलोसिटीज फाइंड आउट करेंगे एट पर्टिकुलर एंगल। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, टुडे वी स्टडीड अबाउट इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस, नेक्स्ट वी विल स्टडी इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, दो तीन केसेस और हैं उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट है। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।